नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज का वीडियो लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं फेसबुक क्लोनिंग के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा फेसबुक क्लोनिंग क्या है, और आजकल किसी के भी नाम की आईडी बना ली जाती है, फेक आईडी, फिर उससे जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो है आपसे पैसों की मांग की जाती है, और भी आपके इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं, और आप लोगों को लगता है कि ये हमारा ही दोस्त है जो कि हमसे मदद मांग रहा है। ऐसे में आप उसको मदद कर देते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि वह तो फेक आईडी थी। तो इस ऐप क्लोनिंग से कैसे बचें, फेसबुक की कोई दूसरी आईडी ना बन पाए, इससे कैसे बचें, उसके लिए आपको आपके फेसबुक में कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। सेटिंग्स कैसी करनी होंगी मैं आपको दिखाता हूँ। हमें जाना है ये तीन डॉट्स पे, यहाँ हमें नीचे ऑप्शंस आता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाने के बाद जो है दोस्तों, हमें यहाँ क्लिक करना है सेटिंग्स पर। यहाँ सेटिंग्स पर आने के बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे आप जाएंगे और यहाँ लिखा है प्राइवेसी सेटिंग। आप प्राइवेसी सेटिंग पर आएंगे। प्राइवेसी सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ये जो सारी एक्टिविटीज़ की सेटिंग्स हैं इन्हें आप कर लें, और अगर अभी कुछ दिनों के लिए अगर हो सकता है, आप देख रहे हैं कि क्लोनिंग का कुछ ज़्यादा ही वो चल रहा है, तो यहाँ पर जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है, आप देखें यहाँ लिखा हुआ है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। इसको जो है अगर आप यहाँ से जैसे फ्रेंड्स है कि हमारे फ्रेंड्स ही हमारी फ्रेंड्स लिस्ट को देख सकते हैं, इसे आप सी मोर में जाके ओनली मी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग फेसबुक पर फ्रेंड्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स कोई दूसरे फ्रेंड्स भी देखें, इसलिए इसे आप यहाँ पर ओनली मी पर जो है सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ दिनों अगर आपकी कोई भी फ्रेंड जो है लिस्ट को देखकर अगर क्लोनिंग करना चाहे और क्लोनिंग कर भी लेगा, तो आपके फ्रेंड्स पता ही नहीं होंगे उसे कि कौन कौन आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो उनको जो है वहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ एक ऑप्शन और है, सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट सर्च इंजन्स आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल। यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को हमें डिसेबल कर देना है। आप फेसबुक के अलावा किसी और जगह से, किसी दूसरे सर्च इंजन से आपको आपके फ्रेंड्स सर्च नहीं कर पाएंगे, इसको आप यहां से डिसेबल कर दें। देखिए लिखा हुआ है अलाउ सर्च इंजन्स आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल, तो लोग आपको फेसबुक पर ही आकर देख सकते हैं, इसके अलावा किसी दूसरे सर्च इंजन्स पर नहीं देख पाएंगे, इसे आप यहाँ से डिसेबल कर दें। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोगों ने फ़ोन नंबर दे रखा है किसी को भी और आपने यहाँ पर पब्लिकली सेट कर रखा है फ़ोन नंबर, देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन है हु कैन लुक अप यूजिंग द फ़ोन नंबर यू प्रोवाइडेड। यहाँ जाने के बाद आपको ओनली मी कर देना है। अगर आपने फेसबुक पर अपना नंबर डाल रखा है तो उसे आप ओनली मी कर दें। ये कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जिनकी मदद से ऐप क्लोनिंग आसानी से जो है दोस्तों की जा सकती है। इसके अलावा हम आपको दिखाएं, अभी आप यहां से पीछे आएंगे। पीछे आने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है सिक्योरिटी एंड लॉगिन का। सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर जाना है, यहां पर क्लिक करना है। यहां क्लिक करने के बाद देखिए आप यहां लिखा आ रहा है वेयर यू आर लॉग्ड इन, आप किस किस डिवाइस पर लॉग्ड इन है। यहां आप सी ऑल करेंगे तो आपको जो है देखिए यहाँ पर सारे जो है दिख जाएंगे किस किस एप्लीकेशन पे और कहाँ कहाँ आपने लॉगिन है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका कोई लॉगिन ऐसी जगह है जो आपने नहीं किया है, किसी डिवाइस का नाम बता रहा हो जिसे आप ना जानते हो, तो आप इसे जो है तत्काल यहाँ तीन बटन पर क्लिक करके उसे यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, या फिर आप इन सारे सेशंस को इकट्ठा भी लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा हम व्हाट्सएप में करते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस में करते हैं। आप यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपके फेसबुक को लॉगिन करेगा तो आपके पास उसका मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, तो आपको पता चल जाएगा अगर आपने किया होगा या नहीं, तो आप टू फैक्टर भी यहाँ पर ईजिली लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, देखिए लिखा हुआ है सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। यहाँ लिखा हुआ है गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकग्नाइज्ड लॉगिन्स। यहाँ आप क्लिक करेंगे और आप जो है ये फंक्शंस को ऑन करेंगे। जैसे भी कोई अनरिकग्नाइज्ड लॉगिन आपके अकाउंट का होगा, कोई कहीं पर लॉगिन कर रहा होगा, चाहे आपके फेसबुक पर, चाहे आपके मैसेंजर पर, इन दोनों जगह, और मैंने अपने ईमेल एड्रेस पर भी इनको ऑन कर रखा है। जैसे ही मान लीजिए कोई भी
अनऑथराइज एक्टिविटी होती है मेरे अकाउंट पर या कोई कहीं लॉग इन करेगा तो मुझे तुरंत जो है दोस्तों ये अलर्ट्स आ जाएंगे। तो आप इन अलर्ट्स को जो है यहाँ से ऑन कर कर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी जो है ट्रिक्स थी और कुछ ऐसे सिक्योरिटी जो है यहाँ से लॉगिन्स थे जो कि हमें करना चाहिए, जिनकी मदद से जो है हम यहाँ पर काफ़ी आसानी से ऐप क्लोनिंग को, जो फेसबुक क्लोनिंग आजकल हो रही है, उससे हम इजीली बच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए इस क्लोनिंग के बारे में, उन लोगों से भी कीजिए वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।